Home screen, page 101, default page. सो गाइज आ गया हूँ मैं आज एक और नया वीडियो लेकर और वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो गाइज आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम हिंदी में फैक्स कैसे पढ़ सकते हैं। सो गाइज आ गया हूँ मैं एक एप्लीकेशन लेकर जो कि हमें हिंदी में फैक्स प्रोवाइड करती है, मतलब कि हमारा टॉकबैक हिंदी में फैक्स प्रोवाइड मतलब कि सुनाता है। सो गाइज कल ही मैंने एक वीडियो इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में फैक्स पढ़ने वाली एप्लीकेशन के बारे में बनाया था और कल ही मैंने आपको बताया था कि मैं कल मतलब मैं हिंदी में जो फैक्स पढ़े ऐसी एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो आज ही मैंने बनाकर रख दिया। सो गाइज़ ये जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छी है और यूज़ करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है, आपको भी आएगा। और वो हिंदी में बहुत अच्छी तरह से और बहुत क्लियरिटी के साथ हिंदी में फैक्स पढ़ के सुनाता है ये एप्लीकेशन। तो गाइज यूज़ कर लेना, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा और हिंदी में फैक्स पढ़ सकते हो। तो गाइज़ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि और लोगों को भी इस एप्लीकेशन के बारे में पता चले और लोग भी हिंदी में फैक्स पढ़ सके। सो गाइज आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। सो गाइज ये एप्लीकेशन हिंदी में फैक्स पढ़ के हमें सुनाता है, मतलब कि हिंदी में फैक्स प्रोवाइड करता है ये एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का नाम है रोचक तथ्य और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप सर्च करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करोगे तो हिंदी कीबोर्ड से टाइप करके ही मतलब कि हिंदी कीबोर्ड से लिख के ही सर्च करोगे तो ही आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पर। तो आपको हिंदी कीबोर्ड में रोचक तथ्य ऐसा टाइप करना है तो आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, इंग्लिश कीबोर्ड से अगर टाइप करोगे तो नहीं मिलेगा। सो गाइज मैं उस एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज जो लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं हिंदी में फैक्स पढ़ने वाली एप्लीकेशन के बारे में वो लोग वीडियो को प्लीज़ स्किप कर दें और जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं ऐप्स में और उसके बाद रोचक तथ्य में चलते हैं। ये है एप्लीकेशन का नाम रोचक तथ्य। तो यहाँ मैं डबल टैप कर लेता हूँ मतलब कि ओपन कर लेता हूँ उस एप्लीकेशन को रोचक तथ्य। सो गाइस एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है रोचक तथ्य। रोचक तथ्य फिर हम अब राइट साइड स्वाइप करके करके आगे चलते हैं। रोचक तथ्य आउट ऑफ लिस्ट ये एप्लीकेशन का हेडिंग है। One of ten, and list, ten items. फिर ये वन ऑफ टेन मतलब कि दस मतलब कैटेगरी ऊपर है उसमें से पहली है ये। Two of ten. फिर टू ऑफ टेन है। Three of ten. और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन में बीच बीच में एड्स ही आते रहते हैं तो उस एड्स को हमें क्लोज करते रहना है। अगर आप उसका प्रो वर्जन लेते हो तो एड्स नहीं आएंगे, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती मुझे, सो डोंट रिस्क मनी। तो आइए आगे चलते रहते हैं। मानव शरीर 4 ऑफ 10। सो ये मतलब चौथा ऑप्शन है मानव शरीर। प्रकृति 5 ऑफ 10। फिर प्रकृति है। व्यक्ति 6 ऑफ 10। है खेल 7 ऑफ 10। खेल है। तकनीक 8 ऑफ 10। तकनीक है। 9 ऑफ 10। अन्य 10 ऑफ 10। फिर अन्य है। तो हम मानव शरीर 4 ऑफ 10 कोई एक फैक्स मतलब कोई एक कैटेगरी को 3 ऑफ 10 सुन लेते हैं। मानव शरीर 4 ऑफ 10 प्रकृति 5 ऑफ 10। ये प्रकृति को हम चुनते हैं और उस पर डबल टैप करके ओपन करते हैं। रोचक तथ्य अनलेबल्ड लाइफ क्वोट्स 5.0 फ्री बेस्ट लाइफ लेट क्लोज शोइंग आइटम्स 4 टू 9 ऑफ 8 क्लोज कर लेते हैं ऐड को। रोचक तथ्य प्रकृति तो ये हेडिंग है प्रकृति। अंतरिक्ष 1 ऑफ 10 इन लिस्ट 10 आइटम्स तो उसमें भी गाइस 10 ऑप्शन 10 विकल्प है। पहला है अंतरिक्ष चांद 2 ऑफ 10 चांद 2 ऑफ 10। दूसरा है चांद 3 ऑफ 10। धरती 4 ऑफ 10। फिर मतलब तीसरा कुछ है वो मतलब बोलता नहीं है। चौथा है धरती 5 ऑफ 10। मंगल ग्रह 6 ऑफ 10। मंगल ग्रह है
रेगिस्तान 7 of 10, रेगिस्तान है। वृक्ष 8 of 10, वृक्ष है। 9 of 10, सोना 10 of 10, सोना है। तो हम कौन सा पड़े भैया, कौन सा पड़े? चलो हम सोने को ही चुन लेते हैं, सोने वाले फैक्ट को पढ़ते हैं हम। सोना रोचक तत्व। सोना 1064.43 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देता है। यह ताप और बिजली दोनों का सुचालक है और इसे जंग नहीं लगती। 1 of 10 इन लिस्ट 10 आइटम्स। देखिए ये पहला फैक्ट था और आगे चलते हैं। सोना इकलौती धातु है जिसका रंग पीला होता है। कुछ और धातुओं का रंग भी लगभग पीले रंग जैसा हो सकता है, पर यह तभी संभव है जब उनकी क्रिया किसी विशेष रसायन से कराई जाए। 2 of 10। तो ये दूसरा है गाइस। सोना बहुत ही लचीली धातु है। मात्र 28 ग्राम सोने की 8 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही बारीक तार बनाई जा सकती है। 3 of 10। ओहो, कितना अच्छा सोना है, 28 ग्राम की एक तार बनाई जाती है। कैरेट सोने की शुद्धता परखने की एक इकाई है। इस इकाई के अनुसार जिस किसी वस्तु गहना सिक्के आदि में सोने की मात्रा 99.9% हो उसे 24 कैरेट सोना माना जाएगा। 18 कैरेट वाले में 75%, 14 कैरेट वाले में 58.5% और 10 कैरेट सोने में 41.7% शुद्ध सोना होता है। बाकी का जो भाग होता है वो अक्सर चांदी या अन्य धातुओं जैसे किताबें, निकल, लोहा आदि का बना होता है। 4 of 10। So guys, इसी तरह स्वाइप करके हम पढ़ सकते हैं। यदि 15वीं सदी के अंत से आज तक उत्पादित सोने को सजाकर रखा जाए तो लगभग 20 मीटर लंबा, चौड़ा तथा ऊंचा घन बन जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी छोटी मात्रा के पदार्थ द्वारा करोड़ों मनुष्यों के भाग्य का नियंत्रण होता रहा। 5 of 10। तो गाइस इसी तरह हम स्वाइप करते रहेंगे लेफ्ट से राइट, तो आगे हमें इसके बारे में फैक्ट्स मिलते रहेंगे। तो मैं सारे फैक्ट्स नहीं मतलब पढ़ के आपको बताऊंगा, पढ़वा के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता। तो देखा जाते हैं हम बैक। रोचक तथ्य। 10 of 10 and 9 of 10। वृक्ष रेगिस्तान। मंगल ग्रह। 5 of 10। धरती 4 of 10। 3 of 10। चांद 2 of 10। चलो चांद वाले फैक्ट्स को देख लेते हैं। रोचक तथ्य। चांद। चंद्रमा गोल नहीं है बल्कि यह अंडे के आकार का है। 1 of 33 इन लिस्ट 33 आइटम्स। चंद्रमा गोल नहीं है लेकिन एक अंडे के आकार जैसा है। पिछले 41 साल से चांद पर कोई आदमी नहीं गया है। 2 of 33। 41 साल से कोई भी आदमी चांद पर नहीं गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया मास के आकार का तत्व के बीच हुए भीषण टकराव के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना था। 3 of 33। वो तो आपको पता ही है, चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है, सबको पता है। धरती से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे के लिए होगा। 4 of 33। ओहो, धरती से चांद गायब हो जाए तो क्या क्या? धरती से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे के लिए होगा। 4 of 33। दिन महज 6 घंटे के लिए होगा। सो गाइस इसी तरह आप स्वाइप करते करके आगे पढ़ सकते हैं। मैं रोचक तथ्य। 2 of 10। अंतरिक्ष 1 of 10। प्रकृति आउट ऑफ लिस्ट। तो मतलब बैक 10 कैटेगरी है। रोचक तथ्य। प्रकृति 5 of 10 इन लिस्ट 10 आइटम्स। प्रकृति में 10 कैटेगरी है। मानव शरीर 4 of 10। मानव शरीर को देख लेते हैं कि रोचक तथ्य। Unlabeled. मानव शरीर 1 of 12। एलर्जी 2 of 12। उसमें 12 कैटेगरी है। एलर्जी 2 of 12। तो दूसरा एलर्जी है, पहला कुछ बबोलता नहीं है, दूसरा एलर्जी है। किडनी 3 of 12। किडनी है। जीभ 4 of 12। जीभ है। दिमाग 5 of 12। दिमाग है। नाक 6 of 12। नाक है। नाखून 7 of 12। नाखून है। नींद 8 of 12। पेट 9 of 12। पेट है। फेफड़े 10 of 12। फेफड़े है। बाल 11 of 12। हड्डी 12 of 12। हड्डी है। तो किसे पढ़े हड्डी को ही पढ़ते हैं। फेफड़े 10 of। पेट नहीं, दिमाग 5 of 12। दिमाग वाले को पढ़ते हैं। रोचक तथ्य। Unlabeled. दिमाग। जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट तक की बिजली ऊर्जा छोड़ता है जो कि एक बिजली के बल्ब को भी चला सकती है। 1 of 34 इन लिस्ट 34 आइटम्स। हो सोचो गाइस, सोचो दिमाग
इतनी ऊर्जा छोड़ता है कि वो एक बिजली के बल्ब को भी जला सकती है। कितनी ऊर्जा बताई? जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 23 वॉट तक की बिजली ऊर्जा छोड़ता है जो कि एक बिजली के बल्ब को भी चला सकती है। वन ऑफ 34 इन लिस्ट 34 आइटम्स। जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा दिमाग 10 से 23 वॉल्ट की ऊर्जा छोड़ता है जो बिजली की एक बल्ब को चला सकती है। सोचो गाइस, कितना दिमाग तेज है हमारा। आगे तो कैसा आएगा फैक्ट्स में, क्या पता। तो यूज़ करो, एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, चलिए। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती, इसलिए वह कोई दर्द नहीं महसूस नहीं करता। 2 of 34। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती, इसीलिए वो दर्द को महसूस नहीं करता। क्या बात है। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती, इसलिए वह कोई दर्द नहीं महसूस नहीं करता। 2 of 34। हमारा दिमाग 75% से ज्यादा पानी से बना होता है। 3 of 34। ओहो, ऐसा है। 75% से ज्यादा पानी से बना होता है दिमाग। तो गाइस हमारा, आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 तक पहुँचते 100% विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। 4 of 34। 5 साल की उम्र में 95% हमारा दिमाग बढ़ता है और 18 साल तक हम जब पहुंचते हैं तब वो 100% बढ़ जाता है और फिर बढ़ना रुक जाता है। सो गाइस, ऐसे स्वाइप करते करते आगे पढ़ना है। मैं तो मतलब क्या बताऊँ भैया, मैं तो एक गर्भवती महिला के दिमाग के न्यूरॉन्स की गिनती 250,000 न्यूरॉन प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ती है। 5 of 34। सो गाइस, ये पढ़ते पढ़ते तो मुझे मन कर रहा है, मेरा मन करता है कि 1 घंटे का ही वीडियो उस एप्लीकेशन के बारे में ही बना दूं। सो गाइस, क्या बताऊं भैया, एप्लीकेशन यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ऐसे इतने सारे फैक्ट्स पढ़ने रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं बैक आ जाता हूँ। अन्य कैटेगरीज भी देखनी है हमें, इसलिए ये मोर बोलते रहते हैं। 6 of 12, नाखून 7 of 12। ये सारी कैटेगरीज है, नाखून, जीभ, किडनी, मानव शरीर की है सब। बैक एक बार और बैक आता हूँ। रोचक तथ्य, मानव शरीर, प्रकृति, व्यक्ति, खेल, तकनीक 9 of 10, अन्य 10 of 10। चलो अन्य में देखते हैं, अन्य में क्या क्या है। अन्य रोचक तथ्य, Unlabeled. अन्य अजब गजब कानून 1 of 8 इन लिस्ट 8 आइटम्स। क्या बात है, अजब गजब कानून। अजब गजब कानून 2 of 8। अजब गजब कानून 2। चाय 3 of 8। चाय है। तंबाकू 4 of 8। तंबाकू 5 of 8। अन्य 1 6 of 8। अन्य 1। अन्य 2 7 of 8। अन्य 3 8 of 8। अन्य 3। Add life best life lesson add dash अन्य तो अजब चाय 3 of 8। अजब गजब कानून 1 of 8। अन्य अजब गजब कानून 1 of 8 इन लिस्ट 8 आइटम्स। चलिए अजब गजब कानून 1 को देख लेते हैं। रोचक तथ्य, लाइफ 5.0 बेस्ट लाइफ। ये ऐड आए गई। इंस्टॉल सीक्रेट कोड GTA चीट्स इंस्टॉल आउट ऑफ बेस्ट लाइफ 5 लाइफ क्वोट्स 5 पॉइंट बेस्ट इंस्टॉल शुड क्लोज ऐड को क्लोज कर देते हैं। अनलेबल्ड अजब गजब कानून 1। अजब गजब कानून 1 हेडिंग है, अजब गजब कानून 1। फ्रांस में सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी है। 1 of 59 इन लिस्ट 59 आइटम्स। क्या क्या क्या, फ्रांस में, फ्रांस में सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी है। 1 of 59 इन लिस्ट 59 आइटम्स। फ्रांस में सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी है। स्वीडन में अपार्टमेंट में रहने वाला व्यक्ति रात 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकता है। 2 of 59। तो ये है, आगे चलते हैं। ईरान में तो महिलाओं का विश्व कप का मैच देखना भी बैन है। 3 of 59। ईरान में महिलाओं का वर्ल्ड कप देखना, ईरान में तो महिलाओं का विश्व कप का मैच देखना भी बैन है। 3 of 59 है। तो गाइस, आप इस कैटेगरी में भी आप आगे आगे स्वाइप करके, लेफ्ट से राइट स्वाइप करके आगे आगे पढ़ सकते हो। बैक आ जाता हूँ मैं एक बार। रोचक तथ्य, अजब गजब कानून अन्य दो बार बैक आना पड़ेगा। रोचक तथ्य 10 of 10, 9 of 10, तकनीक 8 of 10। चलो तकनीक में देखते हैं। रोचक
इंटरनेट 1 of 7 इन लिस्ट 7 आइटम्स बहुत काम का है। तकनीक में तो बहुत काम के फैक्ट्स है। इंटरनेट पहला ही बहुत। एप्पल 2 of 7 दूसरा एप्पल है। कंप्यूटर 3 of 7 तीसरा कंप्यूटर है। गूगल 4 of 7 चौथा गूगल है। टीवी 5 of 7 पांचवा टीवी 6 of 7 सैमसंग 7 of 7 और सातवा सैमसंग है। तो हम चलिए इंटरनेट आउट ऑफ तकनीक इंटरनेट रोचक तथ्य इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है इंटर पारस्परिक नेट नेटवर्क अर्थात जो पूरे संसार के कंप्यूटर नेटवर्क को सैटेलाइट और टेलीफोन के माध्यम से आपस में जोड़ता है 1 of 20 इन लिस्ट 20 आइटम्स इंटरनेट दो शब्दों से बना हुआ है क्या बात है कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ने की पहल मिट यूनाइटेड स्टेट्स में 1960 में हुई थी और पहला भेजा गया संदेश लॉग वाई था दरअसल असल शब्द लॉग इन था लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क लेटर जी के भारी भरकम डेटा लोड को सह नहीं पाया और क्रैश हो गया 2 of 20 जब हम गूगल पर सर्च करने के लिए कोई शब्द टाइप करते हैं तो गूगल उससे संबंधित जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए 0.2 सेकंड्स में लगभग 1000 कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है 3 of 20 क्या 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 गाइस गूगल पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उस सर्च करने के लिए गूगल 0.2 सेकंड में 1010 कंप्यूटर का यूज करता है। फिर से सुन लेते एक बार यार ये तो गजब है। जब हम गूगल पर सर्च करने के लिए कोई शब्द टाइप करते हैं तो गूगल उससे संबंधित जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए 0.2 सेकंड्स में लगभग 1000 कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है 3 of 20 ओहो गूगल पर कोई भी वर्ड अगर हम टाइप करते हैं सर्च करने के लिए तो वो गूगल 0.2 सेकंड्स में 1000 कंप्यूटर का यूज़ कर लेता है सर्च की जो भी हम सर्च करते हैं उसकी माहिती मतलब की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए गजब है यार। हर रोज की जाने वाली सर्चेज में से 16 से 20% सर्चेज गूगल के लिए नई होती है जिनको पहले कभी किसी ने सर्च नहीं किया होता 4 of 20 ओहो गूगल पर जो भी सर्च करते हैं तो 16 से 20% जानकारी नई होती है जो किसी ने अभी तक सर्च नहीं किया होता। क्या बात है यार गजब। मेरा मन यही कर रहा है कि मैं 1 घंटे यानी कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे का ये एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाऊं यार लेकिन क्या करूं। YouTube पर अपलोड किए जाने वाला पहला वीडियो मियातसुंग था जो कि अप्रैल 23, 2005 को अपलोड किया गया था 5 of 20 YouTube पर पहला वीडियो 2005 में अपलोड हुआ था यही है ना। हर रोज YouTube पर अपलोड किए जाने वाला पहला वीडियो मियातसुंग था जो कि अप्रैल 23, 2005 को अपलोड किया गया था 5 of 20 नियंत जून का वीडियो था जो कि अप्रैल 23, 2005 में अपलोड हुआ था पहला ही वीडियो था यूट्यूब में। इंटरनेट 50 लाख उपयोगकर्ताओं तक मात्र 5 सालों पहुंच गया था 6 of 20 क्या क्या इंटरनेट 50 लाख उपयोगकर्ताओं तक मात्र 5 सालों पहुंच गया था 6 of 20 इंटरनेट के जरिए किए जाने वाले साइबर टेररिज्म में से सबसे कॉमन अटैक DDoS और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है जिसमें हैकर्स किसी वेबसाइट अथवा नेटवर्क को यूजर्स के लिए अनअवेलेबल कर देते हैं। इस अटैक के लिए 1 से ज्यादा कंप्यूटर्स और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है 7 of 20 देखिए गाइस इंटरनेट यूज करते हैं लेकिन हैकर्स भी होते हैं जो वेबसाइट को अनअवेलेबल करते हैं उसमें कंप्यूटर्स की और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट 50 लाख उपयोगकर्ताओं तक मात्र 5 सालों पहुंच गया था आज इंटरनेट 8,354 दिन पुराना है। इंटरनेट की उम्र को howoldisinternet.net इस वेबसाइट से पता किया जा सकता है 9 of 20 हर दिन भेजे जाने वाले 247 अरब ईमेल संदेशों में से 81% ईमेल स्पैम होते हैं 10 of 20 ओहो कितने सारे ईमेल्स आते हैं उसमें से 81% मेल स्पैम होते हैं। तो गाइस इसी तरह आप भी स्वाइप करते 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 पढ़ के थक जाओगे। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। सच बोलूँ तो फ़ोन को यूज़ करने में जो मज़ा है वो हिंदी में ही है। तो गाइस जाओ प्ले स्टोर पर जाओ या तो फिर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को ओपन करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो और हिंदी में पढ़ो। थैंक्स।
अनलिमिटेड। और कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें इंग्लिश में है, जिसको अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में अच्छी मतलब पकड़ वो अंग्रेजी में पढ़ो, और जो लोग इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते वो लोग प्लीज़ हिंदी में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और चेक करो, बहुत जानकारी है उसमें, बहुत समझने और सीखने को मिलेगा। तो गाइस ऐसी तो बहुत सारी कैटेगरी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं और ये एक लास्ट कैटेगरी देख लेते हैं गाइस, गूगल रोचक तथ्य। गूगल गूगल के निर्माण के प्रारंभिक समय में गूगल के संस्थापक को HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं आती थी, जो कि वेब पेज डिजाइन करने और बनाने के लिए जरूरी थी। यही कारण है कि गूगल का होम पेज बहुत ही साधारण है। शुरू में गूगल पर सबमिट बटन भी नहीं था, और तब रिटर्न की को हिट करके ही टैग सर्च किए जाते थे, 1 of 23 इन लिस्ट 23 आइटम्स। देखिए गाइस, गूगल पहले कैसा था और अभी कितना मतलब कितना डेवलपमेंट हुआ है गूगल में। गूगल के संस्थापक गूगल का नाम गूगल रखना चाहते थे, परंतु स्पेलिंग में हुई गलती की वजह से इसका नाम गूगल पड़ गया। मतलब गूगल नाम स्पेलिंग में हुई गलती की देन है, 2 of 23। गूगल का नाम गूगल नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती स्पेलिंग मिस्टेक के कारण गूगल रह गया, बाकी गूगल होता। क्या बात है, ये फैक्स ये कहता है। गूगल पर प्रतिवर्ष 20 खरब 95 अरब 10 करोड़ सर्च की जाती हैं, यानी गूगल पर प्रति सेकंड 60,000 से भी ज्यादा सर्च की जाती हैं, 3 of 23। यार ये तो बहुत है यार। गूगल पर प्रतिवर्ष 20 खरब 95 अरब 10 करोड़ सर्च की जाती हैं, यानी गूगल पर प्रति सेकंड 60,000 से भी ज्यादा सर्च की जाती हैं, 3 of 23। गजब है यार गाइस, गजब है। गूगल 35,700 रुपए प्रति सेकंड कमाता है, 4 of 23। कितना कमाता है गूगल? 35,700 रुपए प्रति सेकंड कमाता है, 4 of 23। सोचो गाइस, गूगल एक सेकंड में 35,700 रुपए कमाता है। तो गाइस इसी तरह आगे जाते रहो। और राजन सेठ जब गूगल में इंटरव्यू देने गए थे, तब उन्होंने गूगल को जीमेल बनाने का आइडिया दिया था। जीमेल सेवा को शुरू करने से पहले गूगल ने इसे 2 वर्ष तक आधिकारिक रूप से इसीलिए जांच करने इस्तेमाल किया था, 5 of 23। तो गाइस इसी तरह पढ़ते रहो। गूगल ने 2010 के बाद से प्रति सप्ताह औसतन कम से कम एक कंपनी को खरीदा है, 6 of 23। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत मतलब सारे फैक्ट्स है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अब वीडियो को रोचक तथ्य वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं? रेटिंग दें बटन। ओके, ये एप्लीकेशन पूछ रहा है क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं? हाँ बटन। हाँ नहीं बटन। नहीं सच यार गाइस, फोन को यूज करने में तो हिंदी में ही मजा आता है, हिंदी में अगर फोन को यूज करे तो बहुत मजा आता है। देखिए एक बार सुनते हैं। हाँ रेटिंग दे, क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं? देखिए क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं? रेटिंग दे बटन। रेटिंग दे उसके आगे है? हाँ बटन। तो आप बाहर निकलना चाहते हैं तो हाँ, नहीं बटन। अगर नहीं निकलना चाहते हैं तो नहीं। तो गाइस हम बाहर निकलना चाहते हैं इसीलिए हाँ। रेटिंग दे हाँ बटन। So guys, ये थी back button, page 3 of 3, home screen, page 1 of 1, default page. So guys, ये थी रोचक तथ्य एप्लीकेशन के बारे में जानकारी, और फैक्स अनलिमिटेड पढ़ सकते हो। मैंने आपको मतलब कुछ फैक्स पढ़ के भी बताए सुनाए। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और साथ में कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।